इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड को रिसर्च कैसे किया जा सकता है। मैं मिसाल लूंगा कपड़े की दुकान की कि अगर आपको कपड़े की दुकान खोलनी है अब तो आप कहाँ खोलेंगे। आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सी जगह है जहाँ पर ज़्यादा कस्टमर हमें मिल सकता है। आप एक मॉल में जा सकते हैं जहाँ पर लोग वैसे ही विज़िट करने जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको भी विज़िट करेंगे। आप एक मार्केट में खोल सकते हैं जहाँ पर रश होता है और वहाँ पर भी लोग चलते फिरते आपकी दुकान पर आ सकते हैं। यही एग्जाम्पल मैं अगर मोबाइल फ़ोन शॉप की लूँ तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी शॉप कहाँ पर खोली जाए तो बेहतर रहेगी। मोबाइल फ़ोन के लिए अक्सर लोग कहेंगे कि हफीज़ सेंटर में खोलना मुनासिब है क्योंकि हफीज़ सेंटर लाहौर में मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ का गढ़ है। कुछ लोग हॉल रोड की मिसाल देंगे, लेकिन कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि आप ऐसी जगह पे दुकान खोलें जहां से लोग हफीज़ सेंटर या हॉल रोड जाना मुनासिब नहीं समझते। तो उनकी वो तकलीफ़ आसान हो सकती है अगर आप उनको वही प्रोडक्ट्स जो आप हफीज़ सेंटर या हॉल रोड से लेकर आते हैं वो आपको उनके इलाके में अगर आप उनको दे दें तो वो बड़े आराम से आपके पास आ सकते हैं। लेकिन इस सब में ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आया कहाँ पर ज़्यादा चलेगी कहाँ पर नहीं। लोग अंदाज़ा ज़रूर लगाते हैं और बिज़नेस में बहुत कैलकुलेटेड अप्रोच ली जा सकती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डिजिटल में ये अनसर्टेनिटी नहीं है, डिजिटल में आपको ये मालूम हो सकता है कि आप कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करें तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकती है और ज़्यादा कस्टमर मिल सकते हैं और आपकी कौन सी प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है। जी हाँ, ये पॉसिबल है। सो गूगल सर्च क्वेरीज का डेटाबेस मेंटेन करता है और हमें यानी कि मार्केटर्स को गूगल ये डेटाबेस रिसर्च करने की सहूलत भी मुहैया करता है। हम ये कर सकते हैं कि हम गूगल के टूल में जाकर हम रिसर्च कर लें कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमारे ऑडियंस सर्च कर रही होगी अपनी नीड को पूरा करने के लिए और वो प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं। ये पॉसिबिलिटी होने की वजह से ही एसईओ ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि एसईओ के अंदर जब आपको ये पता चल जाता है कि कितने लोग पाकिस्तान से क्या सर्च कर रहे हैं और अगर आपका वही बिज़नेस है तो आप वो बिज़नेस के ऊपर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, उस सर्च के ऊपर अपनी वेबसाइट नई लॉन्च कर सकते हैं, एक नया बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपका बिज़नेस चल रहा है तो आप बिल्कुल ये मालूम कर सकते हैं कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। ये सब पॉसिबल होता है गूगल के एक टूल से जिसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। गूगल ये टूल प्रोवाइड करता है अपनी गूगल एड्स प्रोडक्ट के लिए। गूगल एड्स एक डिफरेंट प्रोडक्ट है जिसके थ्रू पीपीसी या डिस्प्ले एड्स चलाए जा सकते हैं, लेकिन ये कीवर्ड का टूल हम एसईओ में अपने कीवर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें इस टूल को यूज़ करते हुए ये मालूम हो जाता है कि लाहौर से या पाकिस्तान से कितने लोगों ने मोबाइल फ़ोन सर्चेस की हैं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1,00,000 लोग या 10,000 लोग मोबाइल फ़ोन सर्च कर रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि मैं वेबसाइट बनाऊँ और डिजिटल पे अपना बिज़नेस चमकाऊँ ताकि वो जो 1,00,000 लोग सर्च कर रहे हैं उनको मैं मिल जाऊं। लेकिन अगर आपको ये पता ही ना हो तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप वो डिमांड वाली चीज़ों को अपने पास रखकर अपना बिज़नेस ग्रो कर लें। सो यही वजह है स्टूडेंट्स कि डिजिटल में हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा होता है, हम ये जान सकते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, हम वो डिमांड समझ सकते हैं कि लोग किस वक्त क्या सर्च करते हैं और उनको क्या चाहिए होता है। जब ये डिमांड समझी जाती है तब बिज़नेस को आसानी होती है कि वो उस डिमांड को पूरा करने के लिए वो प्रोडक्ट्स अपने पास ज़्यादा रख ले या उस प्रोडक्ट्स के ऊपर रैंक करना शुरू कर दे या उस प्रोडक्ट्स के ऊपर मार्केटिंग कैंपेन शुरू कर दे ताकि वो डिमांड पूरी कर सके और ऑफ कोर्स इससे उनको मुनाफा होगा जो कि उनकी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। हम मज़ीद चल के ये बात करेंगे कि ये टूल कैसे काम करता है और इसमें कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं जो कि हमें बाद में फ़ायदा देगी।